सारी फंडिंग्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जाती है. द मेयर ऑफ कराची मिस्टर वसीम अख्तर विद हिज टीम विजिट्स ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए. ही डिस्कस्ड इन्वेस्टमेंट्स, करंट इश्यूज, प्रॉब्लम्स एंड बैरियर्स इन्वॉल्वड इन द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी ऑफ कराची. He requested that all Pakistani Americans support him and his team to develop and rebuild Karachi. He said Karachi had always been neglected by the previous governments while still being under the control of federal authorities. From the airport and we were going. I would like all the comments. It was monopolized by private sectors and corporations, including builders, transportation, garbage disposal, water mafia, and many more for their own benefits. While the other high-end colonies are secured and controlled by private authorities like DHA and KDA. He said the city of Karachi is only 10% under his control. He addressed that every issue is not his role, nor can he be involved and do something. He addressed many serious issues loomed over the city and said that the city is completely destroyed. It needs a complete order. He requested all the support from United States to help him for the survival of Karachi. The event was carried out in collaboration with the Houston Karachi Sister City Association. कोई भी अथॉरिटी नहीं है. हमारे यहाँ शहर में 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं सिर्फ सियासी गेन के लिए. वो डिस्ट्रिक्ट आजाद है, मेरे अंडर में नहीं है. वाटर बोर्ड है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है. ये मेरे के अंडर में नहीं है. मेरे अंडर में सिर्फ 10% कराची है, मगर पूरा कराची का आदमी मेरी तरफ देखता है. उसको ये नहीं पता कि वाटर बोर्ड जो है वो सीएम साहब के पास है, पीपल्स पार्टी के पास है. मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे. मेरा कराची का पैसा कहाँ जाता है? 2000 अरब रुपया 10 सालों में बजट में गया है. 2000 अरब रुपया कहाँ गया? उससे निमटना इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि वो सारे मंझे हुए खिलाड़ी हैं. बीमारियां हैं, इलाज नहीं मिल रहा, गंदा पानी पीने को मिलता, तालीम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है. ह्यूस्टन का चक्कर लगते रहेंगे अब, क्योंकि यहां से मदद मिल रही है. फेडरल गवर्नमेंट से कोशिश कर ली, सिंध गवर्नमेंट से कोशिश कर ली, नहीं मिल रहा कुछ भी. मैं ऑलरेडी अपनी बात में कह चुका हूं कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है ह्यूस्टन में. दे शुड ऑल्सो कम अप एंड सपोर्ट कराची. कराची को ज़रूरत है इस वक्त फंड्स की, अशद ज़रूरत है. और मेडिकल इक्विपमेंट्स की, जो KMC के डिपार्टमेंट्स हैं उनका काफ़ी हाल ख़राब है. तो यहाँ की कम्युनिटी से रिक्वेस्ट की है, जिस तरह से ये ऑलरेडी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हमारे हॉस्पिटल्स के लिए भी कुछ करें. सर, इस तरह का कोई प्लान बनाकर लेकर आए हैं कि जो कि यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, या इस तरह का कोई प्लान आप लोगों ने? हमने बातें की हैं जिन लोगों से, जो यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी है, उनको बताया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमारे पास ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ वो उनका इंटरेस्ट हो सकता है. तो लेट्स सी, आगे शायद ह्यूस्टन के मेयर का टूर भी है, तो अगर ये बात आगे बढ़ती है तो कराची की बेहतरी के लिए होगी. तो कोलैबोरेशन हो सकती है, और जो हमारे सेक्टर्स में प्रॉब्लम्स हैं उसमें आई थिंक आप लोगों की मदद हमें चाहिए. इंशाल्लाह कराची को एक अच्छा शहर बनाएंगे. ह्यूस्टन से देसी टीवी यूएसए की, तो हमेशा हमारी प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि हम कराची और ख़ासतौर पर पाकिस्तान से जितना ज़्यादा हम लोग बेनिफिट कर सकें हम कोशिश करते हैं पहुंचाने की. आप लोगों का जो विज़िट है, इस हवाले से आप लोगों का क्या कोई लाया अमल है, कोई इस तरह का कोई सेट फॉर्मेट है? देखिए जी, ये सिस्टर सिटी जो एक एग्रीमेंट हुआ है कराची और ह्यूस्टन का, तो इसमें इस शहर से हम क्या सीख सकते हैं, और कराची और ह्यूस्टन की जो कॉमन इश्यूज़ हैं, मतलब उन कॉमन इश्यूज़ पे क्या ह्यूस्टन का जो एक एग्जांपल है उसको हम किस तरह फॉलो कर सकते हैं. तो इसलिए आज हमारी काफ़ी मीटिंग्स हैं, कल भी हैं, परसों भी हैं. तो इंशाल्लाह जो इश्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी इनोवेशन, जो भी यहाँ साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं उनसे हम फ़ायदा उठाएंगे जी. इफ्तिखार साहब, आपकी क्या लोकल कम्युनिटी लीडर्स से और यहाँ के लोगों से आपकी क्या तवक्कात हैं, जो आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं जी, वेरी पेट्रियाटिक, और उनके बल्कि जज्बात देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है. और मैं समझता हूँ कि अगर ये वही चीज़ जो इनके अंदर जज्बा है कि पाकिस्तान की मदद करना, और पाकिस्तान और कराची में ख़ास तौर पर जो भी मसाइल हैं उसमें अगर ये लोग आएँ मदद करें, तो मेरे ख्याल में मेरी बहुत तवक्कात है. मेरी इन लीडरशिप को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है, और मुझे बड़ी उम्मीदें हैं जी इनसे.